नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अंसारी है। मेरा एक सवाल है पानी पीने के मुतालिक, क्या खड़े होकर पानी पी सकते हैं, इसमें कोई गुनाह है या नहीं? मेरा एक सवाल का जवाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे आसिफ भाई हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि खड़े होकर पानी पीना जायज़ है कि नहीं, उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। तो देखिए, सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस है सही मुस्लिम में। तो ये बात तो ठीक है कि खड़े होकर पानी पीने से मना किया गया है शरीयत में, और जो लोग भी मना करते हैं खड़े होकर पानी पीने से वो सही करते हैं, और जो बैठकर पानी पीने का एहतमाम करते हैं वो अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करते हैं। तो अक्सर हालतों में अमल इसी हदीस पर होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पिया जाएगा, बैठकर ही पिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ दूसरी हदीसें भी मिलती हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश दी है कि खड़े होकर भी पानी पिया जा सकता है। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार खड़े होकर पानी पिया, और खड़े होकर पानी पीने के बाद कहा कि तुम लोग तअज्जुब मत करो, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है, इसलिए मैंने भी खड़े होकर पानी पिया है। और ऐसे ही अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह की एक हदीस है सुनन तिर्मिज़ी वगैरह की, वो फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सम के दौर में खड़े होकर पानी पीते थे, नशरब व नहनु क़याम, हम खड़े होकर पानी पीते थे। तो इस हदीस से भी इशारा मिलता है कि अल्लाह के नबी सम के ज़माने में बादशाहाबा इकराम ने खड़े होकर भी पानी पिया है। तो दोनों तरह की हदीसें हैं, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया है, और दूसरी तरफ कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त भी दी है। तो दोनों हदीसों को मिला के जो नतीजा हमारे सामने आता है वो ये कि आम हालत में हमको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर ही पीना चाहिए। लेकिन कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, आप किसी रोड पर हैं, कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, आपको वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, मुनासिब जगह नहीं है, तो ऐसे मोड़ पर और ऐसे हालात में आप खड़े होकर पानी पी लें, उन हदीसों को सामने रखते हुए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इस्लाम बहुत आसानी वाला मज़हब, इस्लाम ने इतना सख्ती नहीं की है कि आपको हर हाल में बैठना ही है, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कभी खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन आम आदत हमारी होनी चाहिए कि हम बैठ कर पानी पिएँ। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।